नमस्कार साथियों, मैं योगाचार्य बजरंग। आज प्राणायाम का पैकेज करवाऊंगा मैं आपको। प्राणायाम कितने फायदे हैं, जितने आसन के भी नहीं, जितने व्यायाम के भी नहीं। अगर कोई असरदार कोई चीज़ है तो वह है प्राणायाम। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन हैं, जो हमारे आंतरिक अंग हैं, उनको ठीक करने के लिए प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। चाहे घुटने की बीमारी हो या जोड़ों के दर्द की बीमारी हो, प्राणायाम उसमें भी असरदारक है। विशेषकर जो घुटने के रोगी हैं, वो बैठे रहते हैं, घुटने की व्यायाम कर लिए और फिर बैठ गए, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप घुटनों का पैकेज तो करें, साथ में प्राणायाम और कर ले। प्राणायाम करोगे तो आपको डबल फायदा होगा। प्राणायाम से और भी सारे फायदे मिलेंगे आपको। हो सकता आपके शुगर है, हो सकता आपके कुछ और बीमारी चल रही, हो सकता आपके कोई शरीर में गांठें बनना शुरू हो गई हो, तो आप रोजाना प्राणायाम का पैकेज भी कीजिए। तो आप सीखिए मेरे साथ प्राणायाम, अच्छे से सीखिए। जिनको नहीं करना आता वो सीखिए, जिन जो आता है वो एक बार देख लीजिए क्या मैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा, अपना मिला लीजिए। अगर आप ठीक कर रहे हैं तो रोजाना कीजिए। तो सबसे पहले प्राणायाम करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। उसके बहुत सारे फायदे हैं। मैंने कहा कि जोड़ों के दर्द के लिए कपालभाति प्राणायाम, पेट में कहीं भी कोई गांठें बनी हुई है, जैसे एडी में दर्द है उसके लिए कपालभाति कीजिए, घुटनों में दर्द है तो कपालभाति कीजिए। ये आपको साथ में लगाना है। घुटनों के जो पैकेज है जो मैंने पहले बनाया है, आप लोग देख रहे होंगे, उसके साथ में आप प्राणायाम और जोड़ दीजिए। आज से प्राणायाम जोड़ दोगे तो आपको डबल फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो आइए मैं सिखाता हूँ आपको कपालभाति प्राणायाम कैसे करें। कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। अगर आपके घुटने में दर्द है, हो सकता आपको पालते लगा के नहीं बैठा जाता, तो आप ऐसे बैठ जाइए, ऐसे ऐसे बैठ सकते हैं आप। किसी के पैर नहीं मुड़ते हो, घुटने में दर्द अधिक हो, तो आप ऐसे बैठ के वायु मुद्रा लगा लीजिए ऐसे, या फिर ध्यान मुद्रा लगा लीजिए ऐसे बैठ के, या फिर आप कुर्सी पे बैठ के, सोफे पे बैठ के, जैसे आपसे बैठा जाए वो बैठ के प्राणायाम कर लीजिए। अगर आप ऐसे बैठ सकते हो तो ऐसे बैठ जाइए, अगर आप पालते लगा सकते हैं तो पालते लगा के बैठ जाइए। मैं आप पालते लगा के सिखाता हूँ आपको। सबसे पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। इसमें श्वास को हम बाहर फेंकेंगे, झटके से फेंकना है श्वास को बाहर, और झटके से पेट अंदर जाएगा। अच्छे से सीख लीजिए और मिला लीजिए क्या आप ठीक कर रहे हैं। बहुत सारे लोग गलत ही करते हैं, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ उनका, तो अधिकतर गलत ही मिलते हैं। तो आप फिर देख लीजिए, एक सेकंड में एक बार करेंगे। ऐसे स्ट्रोक लगाने हैं, जैसे हो सकता है आपको आवाज़ आ रही हो और आपको सुन भी रहा हो, तो जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार करना है। एक बार फिर करके दिखाते हैं। पेट अंदर जाएगा, श्वास झटके से नासिका द्वारा छोड़ देंगे, और एक सेकंड में एक बार करना है। जो शुरुआत के पल होते हैं, शुरुआत जो कपालभाति की शुरुआत करते हैं, वे लोग, वे साथी ध्यान दें, शुरुआत में 20 स्ट्रोक से अधिक नहीं करना, क्योंकि कपालभाति में ऐसा है, हम शुरुआत में हम ज़्यादा कर बैठते हैं, और ज़्यादा करने से पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। जैसे मैंने पहले बताया था ना कि घुटनों के जो आसन है, कुछ लोगों ने ज़्यादा कर लिया, वे जोश में आ गए कि मैं घुटने के आसन जल्दी करूँगा तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा, तो उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। इसी प्रकार कोई भी आसन हो, कोई भी व्यायाम हो, आप धीरे धीरे शुरू कीजिए। इस कपालभाति को आप 20 स्ट्रोक लगाइए। आज आपको 20 स्ट्रोक लगाने हैं, कल आपको फिर 20 स्ट्रोक लगाने, 3 दिन आपको सिर्फ 20 स्ट्रोक लगाने, उसके बाद आप 30 स्ट्रोक कीजिए, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा दीजिए। 10 दिन में आप अच्छे से 100 स्ट्रोक लगा लेंगे, और धीरे धीरे महीने में या 2 महीने में आप अच्छे से कपालभाति कर पाएंगे। आया समझ में? एक बार फिर मैं करके दिखाता हूँ। फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरे पास कमेंट करना, मेरे पास कॉल भी कर सकते हैं कि ये कपालभाति मैं ऐसे कर सकता हूँ, या मेरे में ये दिक्कत है, ये मैं कपालभाति कर सकता हूँ, तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं पूछने में। मैं बैठा हूँ आपको योग सिखाने के लिए, ये चैनल ही है आपको योग सिखाने के लिए, आपकी सेवा में हाजिर। जिनको कई बार योगाचार्य नहीं मिलते, बोल जी हम किसके पास योग सीखे, तो आप मेरे चैनल पर आ जाइए। रोजाना एक दिन छोड़ एक दिन, या फिर रोजाना आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, और आपके कमेंट के अनुसार
आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं वीडियो आपको लिए बना रहा हूँ। तो प्राणायाम, किसी ने कहा कि प्राणायाम कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल प्राणायाम कर सकते हैं, घुटने के रोगी तो जरूर करें प्राणायाम ताकि अधिक फायदा हो। एक बार फिर कीजिए कपालभाति, ऐसे श्वास को झटके से बाहर फेंकना, पेट को अंदर लेके जाएंगे। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है ये, शरीर को उष्मा देगा, उष्मा शरीर को मिलेगी तो जोड़ों के दर्द खत्म होंगे, विशेषकर घुटनों के दर्द में भी आराम मिलेगा आपको। तो ये सीखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप वीडियो को चलाइए और आराम से सीखिए। ऐसे नहीं कि वीडियो वीडियो खेले, नहीं, आराम से फोन रखिए, सीखिए और करते रहिए, तभी आपको फायदा मिलेगा और तभी आप योग सीख पाएंगे। ये मेरा वादा है, आपको अच्छी तरह से योग सिखाऊंगा और जितने भी योग में जो प्रक्रिया है, आसन है, व्यायाम है, या सूक्ष्म व्यायाम है, या फिर प्राणायाम है, सभी आपको मैं सिखाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा। फोन करके आप ट्यूशन कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। ये कपालभाति प्राणायाम था, ये आपको डेली करना है, शुरुआत में तो कम करना है। अगर आप पक गए हैं, आपका अभ्यास है, तो आप 300 श्लोक डेली लगाएंगे, पहले घुटने के अभ्यास करेंगे या फिर पहले कपालभाति करेंगे। ये सुबह शाम आपको करना है, खाली पेट, खाना खाने के बाद आपको नहीं करना है। अगला प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम। अब इसमें वायु मुद्रा लगा लेंगे, ऐसे पहले उंगली अंगूठे के नीचे और अंगूठे से ऐसे दबा लेंगे, दोनों हाथों की एक जैसी मुद्रा हो जाएगी। पहले दाई नासिका बंद करेंगे, जिनको नहीं आता उनके लिए है, वो सीख लीजिए, और जिनको आता है वे करेक्ट कर लीजिए कि आप ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे। पहले दाई नासिका बंद करेंगे और बाई नासिका से लंबी गहरी श्वास भरेंगे, फिर बाई नासिका को बंद कर लेंगे और दाई नासिका से श्वास को खाली कर देंगे, पूरी श्वास खाली कर देंगे, फिर जिससे खाली की उससे फिर भरेंगे, फिर दाएं को बंद करके बाएं से खाली कर देंगे, फिर बाएं से भरेंगे, फिर बाएं को बंद करके दाएं से खाली कर देंगे। ऐसे वीडियो को रोक रोक के सीख लीजिए, अच्छा करोगे तो अच्छा फायदा मिलेगा। समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रिप्ले कर करके फिर देख लीजिए। शुरुआत कैसे करेंगे फिर बता रहा हूँ मैं। दाई नासिका बंद करना है पहले और बाई नासिका से श्वास भरना है। अब मेरा हाथ ऊपर जा रहा है तो समझ लो श्वास मैं अंदर भर रहा हूँ इधर से, यानी कि बाएं साइड से। अब बाएं को बंद करके दाएं से मैं नीचे हाथ आ रहा तो श्वास को मैं खाली कर रहा हूँ। अब जिसे खाली किया उसी से वापिस भरेंगे और दूसरी तरफ से खाली कर देंगे। ये हो गया नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। कपालभाति और अनुलोम विलोम जो घुटने के रोगी है ना, वो बैठे बैठे कर सकते हैं, सुबह कीजिए और शाम को कीजिए। अनुलोम विलोम तो आप जितना चाहे कर सकते हैं, शुरुआत के दिन से ही। आप बैठे हैं, वैसे आपको कोई काम भी नहीं है, हो सकता आप सैर भी नहीं कर सकते, सैर के लिए मैंने मना कर रखा है, तो आप बैठे बैठे आधा घंटा भी कर लीजिए। बैठे हैं और नासिका पे उंगली रखी, एक से भरा, एक दूसरे से छोड़ दिया, दूसरे से भरा, पहले से छोड़ दिया, आप करते रहिए, आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा, डबल फायदा मिलेगा। एक तो घुटनों का अभ्यास हो गया, प्लस में आपका प्राणायाम हो गया। एक प्राणायाम और है जो जोड़ों के दर्द के लिए विशेष है, सूर्य वेदी प्राणायाम। जिनको जोड़ों के दर्द है, सारा शरीर थका थका रहता है, टूटा टूटा रहता है, उसके लिए है सूर्य वेदी प्राणायाम। पर उसमें एक सावधानी है, जिनका बीपी हाई है ना, वो सूर्य वेदी प्राणायाम ना करें। हाँ, जिनका बीपी लो है वो ज्यादा कर ले। कैसे करेंगे? सूर्य वेदी प्राणायाम पहले सीख लीजिए। हमारे दो सवर हैं, यानी कि दो नासिका है हमारे, ये दाया ये बाया। जो दाएं नासिका है उसको बोलते हैं सूर्य सवर, और जो बाएं नासिका है उसको बोलते हैं चंद्र सवर। इसको हम नाड़ी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जो दाएं नासिका है उसको बोलते हैं पिंगला नाड़ी, और जो बाएं जो नासिका उसको बोलते हैं ईड़ा नाड़ी। यानी कि दाएं सवर को पिंगला नाड़ी और बाएं सवर को ईड़ा नाड़ी। तब हम सूर्य वेदी प्राणायाम करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सूर्य सवर है इससे श्वास भरेंगे। आइए देखें। अब सूर्य सवर को बंद करके चंद्र सवर से खाली कर देंगे, यानी कि दाएं से श्वास भरेंगे हम और बाएं से खाली कर देंगे। अब कैसे करना है? दाएं नासिका से श्वास भरना है और बाएं से खाली कर देना है, उल्टा नहीं करना आपको। फिर मैं बता रहा हूं,
कि दाएं से भर लिया और बाएं से खाली कर दिया। ये हो गया सूर्य भेदी प्राणायाम। आप इसको रोजाना करें, सावधानी को छोड़ के। जिनका बीपी हाई है वो तो करे ना, जिनका बीपी नॉर्मल है या लो है वो ज्यादा कर ले। जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए अच्छा है ये, ये भी अच्छा उष्मा देगा शरीर को। तो ये तीन प्राणायाम जिनके घुटनों में दर्द है वो जरूर करे। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जो घुटने के जो पेशेंट है और जिनको मैंने एक पैकेज बना के दे रखा है, और जो बिल्कुल चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। मेरे चैनल का नाम है योगाचार्य बजरंग। आप सर्च करना यूट्यूब पे, मेरे घुटनों के वीडियो का पैकेज मिल जाएगा, कमर दर्द का मिल जाएगा, सर्वाइकल का मिल जाएगा, मोटापे का मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को सर्च करना, विशेषकर घुटनों के लिए बता रहा हूँ। घुटने के अपने एक वीडियो है निकाल लेना, एक पैकेज, वो निकाल के वो करके उसके साथ प्राणायाम और जोड़ देना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप अच्छे से योग सीखें और योग को अच्छे से करें, गलत ना करें। मेरी अपील है आपसे, जो चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने कहा ना कि आप योगा सीख पाएंगे अच्छे से, और एक ऐसा चैनल है जो योगा आप आराम से सीख सकते हैं। इस चैनल पे मैं आपके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। 9 बजे से 9 बजे रात 9 बजे तक मेरा फ़ोन चालू रहता है, आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं और योग के बारे में कुछ भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसमें आप मेरी सहायता कर सकते हैं, ताकि आप भी दूसरों को योग सिखा सकें। आप ये मेरी सहायता कर दीजिए। हो सकता है मेरे वीडियो सभी के पास ना पहुँचे, तो आपके माध्यम से वीडियो सभी तक पहुँचेगा, सभी तक मेरे नंबर जाएंगे। मेरे वीडियो में मेरे नंबर भी दे रखे हैं मैंने। मेरे चैनल पे आप जाओगे योगाचार्य बजरंग पे, आपको नंबर भी मिलेंगे, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए पैकेज के साथ, एक नए आसन के साथ, एक नए योग के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।